नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है। संभल में महिलाओं की फेसबुक आईडी हैक करने के बाद महिलाओं से ब्लैकमेलिंग का अनोखा मामला सामने आया है। अज्ञात हैकर ने दर्जनों महिलाओं की आईडी हैक कर महिलाओं को मोटापा कम कर स्लिम ट्रिम बनाने के टिप्स देने का झांसा देकर पहले प्राइवेट पार्ट्स के न्यूड फोटो मंगाए, बाद में न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर दर्जनों महिलाओं से लाखों हड़प लिए। ब्लैकमेलर हैकर ने चंदौसी की कोरियोग्राफर डॉक्टर कविता के साथ भी चैटिंग कर ब्लैकमेलिंग की कोशिश की, लेकिन पहले से सतर्क कोरियोग्राफर हैकर के झांसे में नहीं आई। कोरियोग्राफर कविता और हैकर का शिकार हुई महिलाओं ने चंदौसी कोतवाली में अज्ञात हैकर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई के लिए साइबर सेल के पास केस भेजा। बताते चले पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का है। अनोखा मामला संभल के चंदौसी इलाके का है। अज्ञात ब्लैकमेलर हैकर का शिकार होने से बची चंदौसी की कोरियोग्राफर डॉक्टर कविता के अनुसार उनके मैसेंजर पर उनकी एक महिला मित्र का मैसेज आया। मैसेज के एक लिंक देकर उसे टच करने का मैसेज दिया गया। जब उन्होंने लिंक टच नहीं किया तो व्हाट्सएप पर आने की बात कही गई। व्हाट्सएप पर आने पर फिर लिंक ओपन कर अपना फोटो डिलीट करने का मैसेज किया गया, जिसे इग्नोर करने के बाद उन्होंने जब अपनी महिला मित्र को फोन किया तो उन्होंने बताया कि उसकी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई है और तमाम अश्लील मैसेज आ रहे हैं। जिसके बाद अन्य महिलाओं को फोन किए और दर्जनों महिलाओं की आईडी हैक होने की बात सामने आई। एक दूसरे से जानकारी करने पर पता चला कि अज्ञात हैकर ने पहले तो महिलाओं की फेसबुक आईडी की हैक की, उसके बाद महिला बनकर अश्लील चैटिंग के बाद महिलाओं को मोटापा कम करने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट की न्यूड फोटो मंगाए, बाद में इन्हीं फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर बड़ी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा ली। चूंकि ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई सभी महिलाएं संभ्रांत परिवारों की हैं, इसलिए पीड़ित महिलाएं सामने ना आकर सही जानकारी देने से बचती रहीं। कोरियोग्राफर डॉक्टर कविता और पीड़ित महिलाओं ने चंदौसी कोतवाली में केस दर्ज कराया और पुलिस ने मामले की जांच के लिए इसे साइबर सेल को भेज दिया। अब देख रहे हैं संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। चंदौसी में एक मामला जो है सर आया है फेसबुक पर, जो लोगों को जो है फैट कम करने के नाम पर जो है और उनको जो है सर ब्लैकमेल किया जा रहा है। सर क्या पूरा मामला है, क्या कार्रवाई की है? ये चंदौसी की घटना है। ये मामला आया है प्रकाश में कि कोई व्यक्ति है जो है कुछ महिलाओं युवतियों की आईडी हैक करके अन्य महिलाओं युवतियों से संपर्क बना रहा है, फिर उनके फैट कम करने के नाम पे उनको कुछ फ़ोटो ले रहा लिया, उसके बाद फिर उनसे अश्लील चैटिंग किया, साथ ही साथ जो है उनके फोटोज को पोर्न साइट डालने की धमकी दे के पैसे की मांग कर रहा है। इस संबंध में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसकी जांच करके कार्रवाई की जा रही है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? आईटी एक्ट की धाराएँ हैं 66C(d) और ये रंगदारी वसूली का है, वसूली के लिए 384 IPC का मुकदमा पंजीकृत। सर साइबर सेल को भी जो सर? हाँ, उनको भी रिफर है। इसकी पूरी क्या बात है? बात ऐसा है कि कोई हैकर है जो एक लिंक भेजता है और महिलाओं के पास, अधिकतर महिलाओं को ज़्यादा टारगेट कर रहा है ये, और एक लिंक भेजता है और उसको बोलता है कि इसको टच करके जो है आप अपना फेसबुक आईडी पासवर्ड डाली, और जैसे ही कोई महिला या लड़की ये ऐसा करती है तो उसकी आईडी उसके पास पहुंच जाती है और वो हैक कर लेता है, पासवर्ड बदल लेता है। और जब उसकी आईडी हैक कर लेता है तो वो महिला बनके उसकी महिला मित्रों से या उसकी संबंधियों से बात करता है कि वेट लॉस करना है तो बताओ जैसा, और ऑब्वियस है कि जो थोड़ा मोटा होता है और आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हैं तो सभी पूछते हैं कि हाँ भाई कैसे करना है, तो वो बोलता है लड़की बनके भाई मतलब आईडी से महिला मित्र बनके या संबंधी बनके कि जो जैसा मैं कह रही हूँ वैसे फॉलो करो। तो फैट एरिए की फ़ोटोज़ वगैरह मांगते हैं, एक तो इनका ये तरीका है, और अगर कोई गलती से अपना फैट एरिया का भेज देता है तो उसको ब्लैकमेल करते हैं कि हम इस पिक को मिसयूज़ करेंगे। और दूसरा एक तरीका वो अपनाते हैं कि वो बोलते हैं कि आपकी किसी ने गलत पिक्चर पोस्ट कर दी है, तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई कहाँ, कि देखो ये लिंक टच करो
और वहाँ जाके उसको रिमूव कर दो, तो आदमी भ्रमित हो जाता है कि भाई, क्योंकि आजकल फ़ोटोशॉप का ज़माना है, लोग क्रॉप वगैरह करके सोशल मीडिया से फ़ोटो उठा के और क्रॉप अप करके गलत तरीके से बना सकते हैं, तो कोई कोई घबरा जाता है कि भाई शायद मेरी फ़ोटो को मिसयूज़ किया गया होगा, तो वो जल्दबाजी में, और क्योंकि वो सामने वाला दूसरे को मौका ही नहीं देता है सोचने समझने का। मान लीजिए मेरी महिला मित्र की किसी की आईडी हैक कर ली और वो मुझे बार बार कहे कि जल्दी से करो भाभी, देखो आपकी कोई फ़ोटो है, तो हो सकता है कि मैं घबरा जाऊं और मैं उस लिंक को टच कर दूं, आईडी पासवर्ड डाल दूं और मेरी हैक हो जाए। लेकिन ये है कि मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मैं झांसे में नहीं आई, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभी केसेस सुने हैं हाल फिलहाल में, लोग पैसा कमाने का नया नया तरीका ढूंढते हैं, कई लोगों के अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें मेन ज़्यादा यही देखा जाता है कि वो लोग एक लिंक भेजते हैं जिसको टच करने से ऐसा हो जाता है। तो मैं थोड़ा अलर्ट थी, अवेयर थी, और मैंने कोई लिंक टच नहीं किया, और उसने कहा कि आपकी ऐसे पिक वैसी पिक, तो मैंने कहा पहले स्क्रीनशॉट भेजो, प्रूफ दो मेरे को, मैं झांसे में आई नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, शहर की कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनको इसने झांसे में ले लिया और परेशान हैं, तो मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए आगे आई कि क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसे केसों में आगे आना पसंद नहीं करती हैं, उन्हें लगता है कि गलत बात की जाएगी उनके बारे में, जबकि हालांकि वो दोषी नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई समय ख़राब होता है और बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो लेकिन लोग 10 तरीके की बातें बनाते हैं, इसलिए वो लोग सामने नहीं आना चाह रही थी। तो मैंने थोड़ा सा ये सोच के कि भाई किसी के साथ ऐसा ना हो, और ये सुबह 5:30 बजे की बात है कि मैं ऐसे जग गई थी उस दिन, तो मेरे को लगा कि मैं सबसे पहले अवेयर करूँ सबको कि कोई इस तरीके से झांसे में ना आए, तो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली 6:30 बजे करीब सुबह। उसके बाद मेरी नॉलेज में केसेस आने लगे कि इनके साथ भी ऐसा हुआ, इनके साथ भी ऐसा हुआ, बातें की, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा संवेदनशील मामला है और उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने जो है अपनी कुछ महिला मित्रों के साथ मिलकर इसके खिलाफ FIR दर्ज की कराई कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि किसी भी महिला या बच्ची की ज़िंदगी ना ख़राब। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।